हाँ जय हिंद। आप लोगों को बोला था कि आर्मर ट्रेड टेस्ट का जो भी है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा सकता हूँ ताकि आप वहाँ पे जाके आसानी से उन्हें बता सकें। आप लोगों को जो मैं वीडियो बनाया था और शॉर्ट्स में भी आपको बना के कल ही अपडेट दिया था 5 सितंबर को, आज आपका 6 सितंबर है, कि आप लोग बताइए कि वीडियो आए कि नहीं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था, अनिकेत सिंह जैसे हो गए, संगम कुमार, विश्वजीत व्लॉग करके काफ़ी तमाम सारे कमेंट्स अभी मैं आ गया और लोगों कमेंट्स को बता दूंगा। तो उन लोगों का था कि हाँ इसके बारे में वीडियो आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी अब के आज की वीडियो में आर्मर ट्रेड टेस्ट के बारे में आपका जो मुझसे हो पा रहा है वहाँ के बेसिस पे, वहाँ के जैसे आपके ऑफिसर साहब लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसा क्वेश्चन उनके दिमाग में चल सकता है, उस बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्योंकि आप जो है कि सिविलियन बैकग्राउंड से जा रहे हैं, अधिकतर करके कैंडिडेट 95 से 98% लोग तो सिविलियन ही रहेंगे, तो उन लोगों के लिए तो यह बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा क्या है हथियार के बारे में। तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप अपना पूरा वीडियो को देखिए या ना देखिए इससे नहीं पता मुझे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मरर ट्रेड टेस्ट का कोई भी किसी भी ट्रेड से हो वो अपना ट्रेड के बारे में जानकारी ले ले। जैसे कि आर्मरर ट्रेड वाले जितने भी लोग हैं तो उन लोग क्लियर कर लें कि आपका काम क्या है, आपका वहां पे वर्क क्या है, पूछ देंगे अच्छा चलिए बताइए आपका आर्मरर ट्रेड से है तो आपका आर्मरर का वर्क क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हथियार को मेंटेन एंड रिपेयर करना, स्मॉल आर्म्स को मेंटेन एंड रिपेयर स्मॉल आर्म्स एंड वेपन, यही आपका आर्मरर का कार्य होता है। ठीक है, एक आर्मरर हथियार पहले कहां पे बनता था, आपका अमेठी उत्तर प्रदेश में जो आपका जगह है वहाँ पे OFB नाम करके था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, अब है नहीं, अब उसको 7 भाग उसको तोड़ के 7 नई नई अलग अलग कंपनी बना दी गई। आप उसके बारे में देख लीजिएगा अगर आपको देखना होगा तो। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आंसर भी आप बताते चलिए, आंसर भी बताते चलिए। काफ़ी वीडियोज़ में मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता हूँ और 45% ही उसका आंसर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, पढ़िए उसके बारे में, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम भी उतना नहीं है। आर्मरर का काम आपको पता चल गया, मेंटेन एंड रिपेयर स्मॉल आर्म्स एंड वेपन। स्मॉल आर्म्स एंड वेपन में आपको कौन सा आ गया कि आपको कोई मोटार वोटार नहीं दिया जाएगा बनाने के लिए, जो बड़े बड़े हथियार होते हैं जैसे आपका असॉल्ट राइफल होगा, जो जिस राइफल को इन्फेंट्री वाले पैदल सेना लेके चलती है, उन सब हथियार जो होते हैं असॉल्ट राइफल बोला जाता है, CQB हो गया, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए जो आपका हथियार प्रयोग होता है, आपका इंसा LMG हो गया, MMG हो गया, HMG, ऐसे ही हथियार को रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। तो अभी बात करते हैं कि इसमें मेन पार्ट ऑफ राइफल, जैसे आपको वहाँ पे राइफल रखे हुए हैं जो भी है वहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो राइफल है इसके आप पार्ट्स के बारे में नाम बताओ, पार्ट्स का नाम बताओ, तो पार्ट्स का कैसे नाम बताओगे, तो पार्ट्स के बारे में आपको बता देना हूँ कि सबसे पहले आप पार्ट्स को याद कैसे करेंगे, आपको पूछा जाएगा तो कैसे होगा, तो इस तरह से याद करने से काम नहीं होगा। मैं आपको घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपको इतना इजी तरीके से बता दूंगा कि आपके दिमाग में पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने दिमाग में आप अपने सामने एक तस्वीर लाइए राइफल की, ठीक है, तो राइफल में या तो नीचे शुरू करिए या तो ऊपर से शुरू करिए। ठीक है, नीचे से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो नीचे का हर एक पार्ट्स को बोलते जाइए, ऊपर की तरफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ राइफल को, मैं आपके स्क्रीन पर हो सकता है इमेज को ऐड कर दूँ, आपको उस पर नेम लिखा हुआ हो ताकि आप उसको याद कर सके और वहाँ पर पूछे तो आप बता सकें। ठीक है, तो जैसे कि आप सबसे नीचे जो होता है ना बट प्लेट होता है, सबसे नीचे व्हाइट कलर का उसमें रहता है, बट प्लेट कहते हैं। फिर उसका जो वुडन पार्ट होता है लंबा सा उसको स्टॉक बोलते हैं, और जो नीचे का बट है ना उसके पीछे का जो एंड होता है, जैसे कि ये ऐसे कुछ मान लीजिए, अब तो बनाने भी नहीं आता है, अब कैसे बताया जाए आपको कि ऐसे कुछ आपका होगा ऐसे ना, तो यह वाला जो पार्ट होता है इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टो, और पीछे वाले को हील। ठीक है, और यह जो हो गया आपका यह वाला जो जा रहा है फिर यहाँ से इस तरीके से जाके ऐसे राइफल की तरफ जा रहा है ना, तो इस वाले पार्ट को, यह वाला जो आपका पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा अगर हो सके तो। अब मैं अपने सामने एक इमेज को मैं देख ले रहा हूँ कि उससे मैं आपको आगे आगे बता सकूँ। अब इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा। आप आगे आ जाइए, आप ट्रिगर पूछ सकते हैं कि ट्रिगर बताइए, ट्रिगर क्या होता है, यहाँ से चलता है ना, उसको ट्रिगर बोलते हैं, जो उस पे का इस तरह से है, ट्रिगर हो गया और ऊपर से कवर रहता है तो उसको ट्रिगर गार्ड बोलते हैं। और आपका जो ऊपर एक पोर्शन होता है, मैं हो सकता है कि आपको इमेज को ऐड करने की कोशिश करूँगा अगर हो सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडर बोलते हैं। उसके अंदर उसको ऊपर का कवर बोलते हैं, फिर अंदर जो होता है स्लाइडर होता है, उसके अंदर आपका ब्रिज ब्लॉक होता है, फिर उसके अंदर स्लाइडर लगा हुआ होता है, ओके। और नीचे आपका उतना डिटेल में अंदर का तो नहीं पूछेंगे। और उसके ऊपर एक आपका क्या होता है, बाहर से मैगजीन, जानते हैं ना, जिसमें बुलेट को भरी जाती है, तो वो आपका मैगजीन हो गया। मैगजीन का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैं उस अलग टाइप्स को आपके जब कैरेक्टरिस्टिक वाले पोर्शन पे चलूँगा तो उसको आपको कवर करा दूँगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे पास ये बोर्ड है, अगर वो पैनल रहता स्मार्ट पैनल तो उस पर और अच्छे तरीके समझाने की कोशिश करता। वैसे अभी तो शायद आप समझ रहे होंगे, या पूरा जो भी आपको स्क्रीन पर मिल रहा है आपका लिखा हुआ इमेज में लेबल किया हुआ, आप उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर गैस प्लग होता है, बैरल होता है, ऐसा ऐसा ही आपको पूछेंगे। और कैरिंग हैंडल होता है, ऊपर एक कैरिंग हैंडल होता है बैरल के ऊपर, और कैरिंग हैंडल हो गया, स्लिंग कैरियर हो गया जो पट्टा लगा हुआ होता है। अब चलिए, तो पार्ट्स का है तो कोई भी बता देगा, फिगर से उसे फोटो से याद कर सकते हैं। अब चलिए, केयर एंड क्लीनिंग ऑफ राइफल, वहाँ पे राइफल को केयर, देखभाल कैसे करें और क्लीन कैसे करें। देखिए, राइफल को ज़रूरत क्या है पूछेंगे, राइफल को क्लीन करने की या फिर साफ सुथरा जो भी प्रोसीजर, क्लीन उलीन करने की क्या जरूरत है उसको, ए राइफल को। देखिए, राइफल को हमेशा क्लीन किया जाता है, जब भी फायर करके आते हैं पर डे उसको क्लीन किया जाता है, क्यों, ताकि उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए राइफल को क्लीन किया जाता है। आपको आंसर मिला कि नहीं, इस तरह से आप बैठे मत रहिए, कॉपी किताब ले करके, देखिए आपके लिए मैं एक सीट, दो सीट, तीन सीट ले करके प्रिपेयर करके आके तब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। दो दिन से, आज कल से इसी में मैं आपके लिए लगा हूँ, ताकि आपको सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स दे सकूँ। नहीं तो मेरे पास इतनी मोटी से पूरा मेरा कॉपी है, उसको मैं आपको स्कैन करके डाल देता, जाइए पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, क्लीनिंग राइफल को पता चल गया कि क्यों राइफल को क्लीन करते हैं, रुकावट ना आए उसका, उसमें जब फायर किया जाए तो कोई रुकावट ना आए, इसलिए हम राइफल को क्लीन करते हैं। अब कौन कौन सा आपको टूल्स चाहिए राइफल को क्लीन करने के लिए, ठीक है। ऑयल बॉटल, देखिए इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सा आप कोई एक टूल, मान ली मशीन है, कोई औजार है, उसको साफ करने के लिए क्या क्या आपको आवश्यकता होगी, हाँ दिमाग लगाइए, क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, वही सब आप अपने बेसिक दिमाग में लेके चलिए, वो हथियार है, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह से आ गया है कि उसके लिए कुछ और ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, आप एक बार दूसरा कुछ सोचिए, मशीन में जो जो चीज़ का प्रयोग होता है, आप एग्जांपल ले लीजिए अपने साइकिल का ही, बेसिक से शुरू करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा लगेगा, आप अपने दिमाग में एक बेसिक सा कुछ और लेके चलिएगा, ओके। ऑयल बॉटल यानी तेल का बोतल रहना चाहिए ना उसमें ऑयलिंग करने के लिए। ब्रश क्लीनिंग बोर, जो बोर होता है आपका, उसको क्लीन करने के लिए आपके पास ब्रश होना चाहिए। ब्रश भी अलग अलग साइज के आते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, ब्रश क्या बोलेंगे, ब्रश क्लीनिंग बोर है। और ब्रश होता है एक क्लीन करने के लिए चैम्बर, एक तो बोर हो गया, एक चैम्बर क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। और जो आपका वही बैरल होता है ना, बैरल को क्लीन करने के लिए वहाँ पे कॉटन का रखा हुआ होता है, स्टिक, वही स्टिक जैसे लगा होता है, इस उसमें से खींचा जाता है पकड़ पकड़ के, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे कॉटन सा कपड़ा रखा रहेगा, बोलिए कॉटन क्लॉथ रहता है, वो स्पेशल रहता है, उस पर बहुत पहले से तो वही वैसा ही आता है, रेड रेड उस पर लाइनिंग बना हुआ होता है। अब नहीं पता अब कौन सा वहाँ पे रखा है, मैं तो रेड वाला से ही क्लीन किया हूँ। और उसके बाद आते हैं पुल थ्रू आपका हो गया, रॉड क्लीनिंग बैरल, बैरल को क्लीन करने के लिए बताया ना, एक रॉड होता है। ये सब पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, अभी मैं वैसे फिलहाल यहाँ पे पॉइंट्स को ये लिख दूंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद
टूल एडजस्टिंग फॉर साइट, जो कुछ टूल्स होते हैं साइट को एडजस्ट करने के लिए। अब आपसे जब पार्ट्स का नाम पूछेंगे ना, तो जो पीछे आपका ट्रिगर के ऊपर रहता है उसको बैक साइट लिप बोलते हैं, और जो आपका बैरल के ऊपर रहता है उसको फोर साइट लिप बोलते हैं। वो उसका क्या काम होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका बैरल है, और मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप असम राइफल जो वेपन ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं देख रहे हैं तो मुझसे फिर मत बोलिएगा कि मुझे नहीं आया। जैसे कि ये आपका बैरल है, और बैरल में आप देखे होंगे तो यहाँ से ऐसे कटा हुआ होता है। इस कटे होने का कारण पता है क्या? जब यहाँ से आपका पूरा भरा हुआ एयर का प्रेशर जाता है तो यहाँ पे एयर जो है कि कुछ पहले ही निकल जाए, और बुलेट को आपको एक और पाथ मिल जाए ताकि वो आसानी से जा सके, डिसबैलेंस ना हो। और ये कटा हुआ नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पे आग फायर निकलेगा, आग आग निकलेगा, जिससे क्या होगा कि दुश्मन आपको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कटा हुआ होता है। तो चलिए इसका तो बात था ही नहीं, वो यहाँ पे एक लीफ लगा हुआ होता है और एक पीछे लगा हुआ होता है, तो इसको फोर साइड लीफ बोलते हैं, इसको बैक साइड लीफ बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए आपका सामने टारगेट है, दिख रहा है ना, ओहो शायद दिख रहा होगा, सामने मान लीजिए आपका टारगेट है, तो उस टारगेट को मिलाने के लिए, जैसे इस लाइन को यहाँ से इस पे मिलाने के लिए चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ तो देखिए सीधे स्ट्रेट लाइन मिलाने के लिए हमें डॉट की या इन लीफ का आवश्यकता होता है। यह क्लियर हो गया, बैक साइड लीफ, और इसको बैक साइड लीफ और इसको फोर साइड लीफ बोलते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको टूल चाहिए, और पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में आपका क्या है, वायर गेज का जरूरत पड़ता है, और फ्लैनल फॉर ऑयल यानी कि कुप्पी का जरूरत पड़ता है तेल डालने के लिए। तो अभी इतना ही, आप यहाँ पे क्या करिए कि मैं पॉइंट्स को लिख दे रहा हूँ उसको नोट करिए। तो ये आपके स्क्रीन पर यह आ गया है, यह जो भी आपके हैं क्लीनिंग के इसको नोट कर लिए हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं सीक्वेंस फॉर क्लीनिंग, क्या सीक्वेंस होता है क्लीनिंग राइफल को साफ करने का। सबसे पहले आप किसको साफ करेंगे, सबसे पहले आप बैरल को साफ करेंगे, बैरल, फिर चैम्बर को, फिर बोल्ट को, फिर मैगजीन को, फिर बोनेट को। इतना क्लियर हो गया। अब इसको मैं मिटा के उस वाले पॉइंट को लिख दे रहा हूँ, और उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यह मैं पूरा पॉइंट लिख दिया, अब आप इसको नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं, इसे में एक टर्म्स आता है, उस टर्म्स को मैं बता दूं, लिम्बर अप आता है। तो लिम्बर अप के बारे में बात कर लेता हूं। लिम्बर अप होता क्या है, लिम्बर अप आपका एक, आप बोल सकते हो कि वार्म अप करने का तरीका होता है। जब भी हम फायरिंग करते हैं तो फायरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, लिम्बर अप करते हैं। लिम्बर अप में क्या होता है कि हम दो तीन राउंड फायर करके बैक साइड लिफ्ट, फोर साइड लिफ्ट और टारगेट को सेट कर लेते हैं, ताकि उसमें से कोई जो जो भी एरर हो हम उसको दूर कर सकें। तो यही आपका लिम्बर अप प्रोसेस होता है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आपका इतना यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, वेपन के बारे में जानते हैं। वेपन आपका कौन सा हो गया, 5.56 mm इंसास राइफल के बारे में पूछ रहे हैं, और वहाँ पे रखा हुआ क्या हो रहा है, इंसास रखा है, और आपका SLR के बारे में पूछ रहे हैं, जो भी वहाँ पे है उनके बारे में चलिए बात करते हैं। तो 5.56 mm इंसास राइफल भी होता है, 5.56 mm इंसास LMG भी होता है। इन दोनों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंसास है, इंसास का फुल फॉर्म पूछ दे रहे हैं आपका क्या, INSAS। ये IN का मतलब इंडियन, लिख लीजिए इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, यही इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंडियन वेपन है, ये जो आपका 5.56 mm इंसास राइफल और 5.56 mm इंसास LMG है। ये क्या है कि असॉल्ट कैटेगरी के अंदर में आते हैं, और ये LMG की कैटेगरी में, क्यों, क्योंकि इसके रेंज के हिसाब से इसके कैटेगरी को निर्धारित किया जाता है। LMG आपका यहाँ पे टर्म्स आ जाएगा, LMG, MMG, HMG, इसको चलिए मैं आगे बता दूंगा। और 5.56 mm इंसास राइफल का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चलिए जानते हैं। इनका वेट क्या होता है, जैसे 5.56 mm इंसास का वेट कितना होता है, 3.36 kg, और LMG का वेट कितना होता है, 6.23 kg। वेट क्या है, वेट 3.36 और 6
0.23 kg इनका वेट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इनका इफेक्टिव रेंज कितना होता है। इसका रेंज होता है 400 मीटर और LMG का रेंज होता है कितना, 700 मीटर। नोट कर लीजिए आप इस तरीके से कॉपी पे बना करके 5.56 के लिख करके जिस तरह से आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। इफेक्टिव रेंज पता चल गया। इफेक्टिव रेंज के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि कारगर रेंज यानी कि जो बुलेट है अगर आप उसको फायर करते हो तो वो कितने दूर तक जा के, मतलब कि अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में कितना दूर तक क्षमता रखती है उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेंज। इसका 400 मीटर है राइफल का और LMG का 700 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा मजल वेलोसिटी कितना होता है। मजल वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है कि बुलेट कितना सेकेंड में कितने दूरी को तय कर रही है, दैट इज नोन एज द मजल वेलोसिटी। राइफल का आपका जो है कि 900 मीटर पर सेकेंड है और LMG का कितना है 925 मीटर पर सेकेंड है। मैगजीन का कैपेसिटी बात करें तो इसका 20 राउंड है, एक मैगजीन में आप 20 गोली भर सकते हो और इसमें क्या है कि एक राउंड में एक मैगजीन में आप 30 बुलेट को भर सकते हो। दोनों का साइज सेम है। अब 5.56 mm, अब इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। अब आपसे देखिए वहाँ पे तीन क्वेश्चन इससे बन सकता है कि आपका कैलिबर CALIBR कैलिबर बोर और बुलेट की साइज भी बुलेट, तो यह जो है कैलिबर आपका बोर और बुलेट, अब जितना यही रहे यह आपका रहेगा उसी के हिसाब से तो बुलेट भी रहेगा। उससे छोटा बना देंगे तो नहीं काम बनेगा, बड़ा बना देंगे तो नहीं हो पाएगा। बोर जो आपका बैरल होता है उसका भी तो साइज भी होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कैलिबर। तो यह 5.56 जितना बुलेट का रहेगा उतना ही यह सब आपका मैच करेगा। तो ये आपसे कन्फ्यूजिंग पूछेगा कोई भी तो आपका वही सेम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स आपसे पूछ सकता है। अब ग्रुप्स का जो कंसेप्ट है, ग्रुप्स आपको शायद न समझ में आए। ग्रुप्स जो बैरल होता है, बैरल में आपका बुलेट निकलती है तो जब बुलेट निकलती है तो उसे निकलने के लिए एक रोटेट करे ताकि जो आपका एयर का रेजिस्टेंस है इन सब को वो चीरते हुए आगे की तरफ बढ़े, तो उसके लिए क्या होता है कि ग्रुप्स अंदर बने होते हैं। जैसे यह बैरल हो गया अंदर ग्रुप्स कैसे बने होते हैं, ऐसे करके कुछ ग्रुप्स बनते हैं ताकि वो इस तरह से ताकि वो बुलेट को आपको आगे की तरफ लेते जाए। नंबर ऑफ ग्रुप्स इसी को बोलते हैं। तो ऐसा कितना होता है, 6 ग्रुप्स होता है। ये इम्पॉर्टेंट है ना, पूछ देंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं इस वाले में, तो दोनों में आपके 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा करके 5 और 6 इतने ही ग्रुप्स पाए जाते हैं राइफल में। नेक्स्ट पे आते हैं तो मोड ऑफ फायर, कितने तरीके से फायर किया जा सकता है। बस अभी इसमें क्या है ना कि LMG से इतना ही पूछेंगे, आप राइफल के मतलब उतना तो बता दिए। अब राइफल में आपका बता दे रहा हूँ कि कितने तरीके से फायर किया जा सकता है। दो तरीके से फायर कर सकते हैं, फायर करने का तरीका दो है, एक सिंगल शॉट है और एक TRB है। सिंगल शॉट में क्या होगा, जब आप प्रेस करोगे ट्रिगर को एक बार दो बार तीन बार तो उस तरह से फायर होगा। और एक होता है TRB 3 राउंड ब्रस्ट, ये सिर्फ आपका इसी में मिलता है इंसास में। AK-47 में दो मोड होता है, एक सिंगल शॉट एक ब्रस्ट होता है, यानी एक बार आप प्रेस करोगे पूरी मैगजीन खाली हो जाएगी या तो फिर एक एक करके चलाओ। वो जो है कि उसमें एक सेकेंड में 10 बुलेट निकलते, 3 सेकेंड में 30 बुलेट निकल जाती है AK-47 में। इसमें क्या है कि आपका सिंगल शॉट है और TRB है, यह है मोड ऑफ फायर। तो आपका जो है मोड ऑफ फायर में नॉर्मल में कितना यह बुलेट फायर करेगी, नॉर्मल में TRB में इंटेंस में साइक्लिक में, तो नॉर्मल में क्या होगा कि जब आप एक एक बार प्रेस करोगे तो आपका कितना 60 राउंड फायर होगा। TRB में यानी 3 राउंड ब्रस्ट में आपका 1 मिनट में 90 गोली फायर होगा, इंटेंस में 150 होगा और साइक्लिक में 600 से 650। अब साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक वाले कैटेगरी में क्या होता है कि एक जैसे कि पूरा उसमें चेन की तरह से पहना दिया जाता है बुलेट को, जो बुलेट का पूरा लड़ी होता है उसको पूरा पहना दिया जाता है और कंटिन्यू 1 मिनट तक फायर किया जाता है, तो कितना 600 से 650 बुलेट 1 मिनट में आपकी फायर होती है।
और यहीं पे एक चीज़ और बता दूं कि यह जो है आपका LMG 5.56 mm इंसास LMG जो है आपका एंटी एयरक्राफ्ट को मारने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, यह वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जा रही, मिलता हूं इसी की जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ट्यून रहिए, इसको देख करके इसका रिविज़न करिए। आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।